देश के पूर्वी पश्चिमी मध्य और पूर्वोत्तर इलाकों में मानसून खासा सक्रिय है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 7 टीमें भी तैनात की गई हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक राज्य में 11 लोगों की मौत हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगस्त और सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश यानी कि 106% बारिश हो सकती है। तो वहीं पूर्वोत्तर, पूर्वी लद्दाख, पूर्वी भारत, लद्दाख, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य भारत के कुछ हिस्से और प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में अगस्त से पहले दिन स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो गया है जिसकी अगले 4 दिन तक बने रहने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में सीजन की 51% यानी कि 18 इंच बारिश हो चुकी है। यूपी में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटों में 72 जिलों में 22 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और ये नॉर्मल से 175% ज्यादा है।